हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं हेयर वॉश करने जा रही हूँ, तो मैं सोची आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करूँ। तो इधर पहले से ही ठंडा पानी था और मैं गर्म पानी लाके इसी बकेट में डाल दी हूँ और थोड़ा सा फिर से ठंडा पानी लाके एकदम हल्का गुनगुना कर लूँगी, क्योंकि मैं नारियल का तेल लगाई हूँ। नारियल का तेल ठंडी में जम जाता है, आप लोगों को पता ही होगा, तो इसी वजह से नारियल का तेल पिघलने के लिए तो हल्का गुनगुना पानी मैं ली हूँ। और गुनगुना पानी से ही मैं हेयर वॉश करूँगी, और गर्म पानी से हेयर वॉश नहीं करना चाहिए क्योंकि हेयर ड्राई हो सकता है गर्म पानी से हेयर वॉश करने से। तो मैं एकदम हल्का गुनगुना पानी ली हूँ, ना गर्म ना ठंडा, उस तरीका का पानी ली हूँ, हल्का गुनगुना पानी। तो अभी चलिए फिर मैं हेयर वॉश करती हूँ। अभी मैं इधर आ गई हूँ हेयर वॉश करने के लिए। हेयर वॉश करने से पहले मैं हेयर को अच्छे से भिगो लूँगी, उसके बाद मैं करूँगी हेयर वॉश। तो मैं गुनगुना पानी इसलिए ली हूँ क्योंकि मैं नारियल का तेल लगाई हूँ, नारियल का तेल ठंडी में जम जाता है, तो इसी वजह से हल्का गुनगुना पानी ली हूँ। तो इधर मैं अच्छे से हेयर को गीला कर ली हूँ और थोड़ा सा कटोरे में पानी ले ली हूँ और शैम्पू ली हूँ, दोनों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी और उसके बाद मैं हेयर में लगाऊंगी थोड़ा थोड़ा शैम्पू लेके, फिर हेयर को वॉश करूंगी। और हेयर वॉश करते समय हल्के हाथों से मसाज करना ज़रूरी होता है। हल्के हाथों से मसाज करने से, 5 मिनट तक मसाज करने से सिर का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छा होता है, और ब्लड सर्कुलेशन अच्छे होने के कारण हेयर में शाइनिंग भी आता है। तो इधर आप लोग देख सकते हो मैं सारे हेयर को ले ली हूँ और अच्छे से शैम्पू लगाऊंगी, और अभी मैं हल्के हल्के हाथों से मसाज करूंगी। तो मसाज करना ज़रूरी होता है, एकदम हल्के हाथों से, ज़ोर ज़ोर से नहीं, स्पीड से नहीं, हल्के हल्के हाथों से मसाज करना ज़रूरी होता है। तो अच्छा भी होता है, रिलैक्स फील भी मिलता है, रिलैक्स फील भी होता है। तो उसके बाद फिर मैं इधर लगा ली हूँ अच्छे से शैम्पू और मसाज भी कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा करके मैं शैम्पू लगाऊँगी, एक ही बार शैम्पू नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके शैम्पू लेना है और हेयर को अच्छे से वॉश करना है। और मैं इधर लोरियल का शैम्पू यूज़ कर रही हूँ। लोरियल का शैम्पू बहुत ही अच्छा है गाइस, मुझे तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि मेरा पहले हेयरफॉल बहुत होता था। मैं काफ़ी ज़्यादा ट्राई कर ली हूँ शैम्पू, तो उसके लास्ट ये मैं लोरियल का शैम्पू लगा रही हूँ। तो ये लोरियल का शैम्पू लगा के मुझे बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि हेयरफॉल होना यानी कि बाल झड़ना थोड़ा कम हो गया है, तो इसी वजह से मुझे बहुत अच्छा लगा लोरियल का शैम्पू। लोरियल का शैम्पू के साथ मैं लोरियल का ही कंडीशनर यूज़ करती हूँ, दोनों ही बहुत ही अच्छा है, शैम्पू एंड कंडीशनर। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इधर मैं शैम्पू लगा ली हूँ, अभी मैं हेयर को वॉश करूँगी, अच्छे से वॉश करूँगी, थोड़ा भी शैम्पू नहीं रहना चाहिए हेयर में, तो अच्छे से वॉश कर लूँगी और उसके बाद हल्के हाथों से मैं हेयर को ड्राई कर लूँगी और उसके बाद मैं लगाऊँगी कंडीशनर। तो सिर्फ शैम्पू लगाने से नहीं होता है, कंडीशनर भी लगाना ज़रूरी होता है। शैम्पू लगाने से भी जो बाल है वो सुलझते नहीं है, कंडीशनर शैम्पू करने के बाद कंडीशनर लगाने से जो बाल है, उलझे हुए बाल सुलझ जाते हैं, कंघी करने का भी ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो इधर आप लोग देख सकते हो मैं हल्के हाथों से ड्राई कर ली हूँ और अभी मैं लगाऊँगी कंडीशनर। मेरे हेयर में तो ज़रूरी नहीं होता है शैम्पू करने के बाद मैं कंडीशनर लगा लेती हूँ, और कंघी करने का ज़रूरी नहीं पड़ता है, मैं हाथ से ही हेयर को अच्छे से सुलझा लेती हूँ जो उलझे हुए बाल है। तो इधर आप लोग देख सकते हो मैं कंडीशनर लगा ली हूँ और 5 मिनट तक रखूँगी, आप लोग 1-2 मिनट भी रख सकते हो। तो मैं 5 मिनट तक रखूँगी और उसके बाद हेयर को वॉश करूँगी। तो ये है लोरियल का शैम्पू है और वो छोटा वाला लोरियल का कंडीशनर, दोनों साथ में ही आता है और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा अगर करना चाहते हो तो। तो अभी मैं आ गई हूँ, 5 मिनट हो गया है, 5 मिनट के बाद फिर से आ गई हूँ हेयर वॉश करने के लिए। तो अच्छे से मैं हेयर को वॉश करूँगी और जो कंडीशनर है सिर्फ हेयर पे ही लगाना है, स्कैल्प पे नहीं लगाना है, हेयर पे लगा के रखना है अपने हिसाब के अनुसार। मैं तो 5 मिनट रखी हूँ, आप 1-2 मिनट भी रख सकते हो। तो हेयर को मैं अभी अच्छे से वॉश कर लूँगी, वॉश कर लेने के बाद फिर गमछा से ही हेयर को ड्राई करूँगी। तो हम लोग ज़्यादातर गमछा ही यूज़ करते हैं, तौलिया यूज़ नहीं करते हैं। तो अच्छे से हेयर को वॉश करना है, अच्छे से धोना है ताकि शैम्पू कंडीशनर ना रहे हेयर में। तो अच्छे से मैं इधर धो ली हूँ, अभी हेयर को ड्राई करूँगी। तो आज का वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कॉमेंट करके।